राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज राजधानी व्यू। सीधी जिले के खडड़ी संकुल केंद्र के अंतर्गत जितनी भी विद्यालय हैं, सही ढंग से शिक्षक शिक्षिका नहीं आते हैं। अभिभावकों द्वारा बताया गया कि कई ऐसे अतिथि शिक्षक एवं रेगुलर शिक्षक हैं, जो नाम मात्र के लिए विद्यालय आते हैं एवं एक महीने की हाजिरी लगाकर घर चले जाते हैं। आखिर संकुल प्रभारी प्रदीप पटेल मेहरबान क्यों है? सरकार से निवेदन है, जांच करवा कर उचित कार्यवाही करें। वहीं संकुल खडड़ी में 5 चपरासी रजिस्टर में अंकित है, लेकिन बच्चों द्वारा झाड़ू लगवाया जाता है एवं चपरासी मनोज द्वारा कंप्यूटर का काम किया जाता है। यह प्रभारी प्रचार के चाहते हैं, इसलिए आखिर प्रभारी प्राचार्य करना क्या चाहते हैं? जब यह सब विषय के संदर्भ में प्रभारी प्रचार से बात की गई तो जांच का हवाला देते हुए नजर आए। चपरासी नहीं आते हैं, हम लोग नहीं जानते। प्रदीप पटेल प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, तो क्या उन चपरासियों को छूट देकर रखे से नहीं आते? ये तो मनी साहब ना, कुछ हम लोग खेलने के लिए देते हैं और हम लोग को बैठा के खाना नहीं खिलाते, हम लोग अपने जाके लेते हैं। बच्चियाँ हैं, बता रही हैं कि स्कूल बर्तन भी आप लोग अपने से धोते हैं? हाँ, हम लोग अपने से अंदर झाड़ू लगाते हैं। ये स्थिति है खड्डी हाई सेकेंडरी स्कूल की। ये आप लोग देख सकते हैं, बच्चों का आरोप है कि सर झाड़ू कौन लगाता है? झाड़ू तो बच्चा बोलता है कि मैं लगाता हूँ, ये झूठ बोल रहा है। कई बच्चे बोले ना, एक ये तो अभी यहाँ वो भी बच्चा बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, लड़कियाँ भी बोल रही है। तीन झाड़ू कहाँ लगाता है? हम लोग। चपरासी कहाँ जाते हैं? नहीं जाते हाँ, स्कूल में सफाई कर प्रेम लाल। और ये प्राथमिक पाठशाला पटीहा टोला में जो मैडम नहीं आती हैं, जी जी, तो लोगों द्वारा क्या चर्चा है? चर्चा का है, वो नहीं आती हैं, अपन तनख्वाह है या उचलती हैं, जे यहाँ के संकुल प्रभारी हैं तो अब उनका शेर ले थो ही तक ऐसा के अब यहाँ आके। संकुल प्रभारी कौन है? संकुल प्रभारी का नाम है प्रदीप। अच्छा, प्रदीप पटेल है। पटेल जी हाँ, खड्डी संकुल प्रभारी। जी जी जी, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? कुछ नहीं एक्शन ले तो लगा ही 6 महीने से लगातार 6 महीना कहा गया तब ना। क्या नाम है आपके विद्यालय का? प्राइमरी स्कूल पटीहा टोला पैपाकरा। आप कितने शिक्षक तैनात हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम आसना मेहरा है। यहाँ पे 2 टीचर्स है, रेगुलर टीचर्स 2 है यहाँ पे। एक अतिथि? हाँ, अतिथि को ऐसा है कि अभी वो मैडम अटैच किया है। मैडम कब से नहीं आ रही? मैडम का मेडिकल लगा था 15 दिन के, 2 मतलब 1 महीने के 2 मेडिकल लगे, उसके बाद से नहीं है। मतलब मेडिकल तो इनका जुलाई में कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया जुलाई अगस्त 15 तक, जहाँ तक 15-16 जो भी होगा, 1 महीने का मेडिकल था, उसके बाद से अभी तक ना कोई आवेदन पत्र छुट्टी के, ना मेडिकल वगैरह आए हैं और ना तो मैडम आई। अच्छा मैडम, जैसे आप स्कूल में रहती हैं, स्ट्रेंथ कितनी है स्कूल? 35 है अभी रजिस्टर्ड। आज कितने बच्चे आए हुए? आज 10 बच्चे आए हुए हैं। और शिक्षक आप लोग अभी 2 हैं कि 1 हैं? अभी फिलहाल मैं तो अकेली हूँ, अकेली रेगुलर में। हाँ, अतिथि में कौन? अतिथि में राजवंश सर है। आज आए हुए हैं? हाँ आए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मध्याह्न भोजन की बात आती है। जैसा कि आपको पता है कि एक मेन्यू शासन के द्वारा अलाउ किया गया है, उस मेन्यू के हिसाब से मध्याह्न भोजन समूह संचालकों को दिया गया है मेन्यू बनाने के लिए भोजन। तो क्या मेन्यू के हिसाब से आपके विद्यालय में भोजन बनता है कि नहीं बनता है? मेन्यू के हिसाब से तो नहीं, डेली एक ही चीज़ बनती है। क्या बनता है? दाल चावल बनता है डेली। तो आपको पता है कि मेन्यू का पालन नहीं हो रहा है? हाँ, मुझे पता है नहीं हो रहा है। मैंने जो हमारे जो समूह चलता है उनको बोला भी था, तो उन्होंने बोला कि यही आता है हमको तो हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो फिर मैंने उनसे ज़्यादा कुछ बोला नहीं, तो यही मिल रहा है डेली, तो यही मिल रहा है। अच्छा, साला प्रमुख का प्रभार किसके पास है? प्रभार उर्मिला मैडम के पास, उर्मिला अग्रवाल। तो ये बताइए कि आपके स्कूल के कार्य बाधित हो रहे हैं क्योंकि आपके पास प्रभार भी नहीं है, और प्रभार न होने के कारण यहाँ की व्यवस्थाएं आप नहीं देख पा रही हैं। अगर आपके पास प्रभार होता तो आप लिखित में बीओ महोदय को या बीआरसी महोदय को दे सकती थी। तो ये कार्य बाधित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहा है। प्रभार की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। इसके लिए नहीं हूँ ना मैं, अथॉरिटी कोई चीज की नहीं है मेरे पास। बिल्कुल,
सिर्फ मैं आपके स्कूल को बच्चों को पढ़ाती हूँ जाती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। ऑनलाइन काम भी मेरे आई डी से होता नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है। ठीक है, धन्यवाद। मगरोहर में एक विद्यालय है सर, कक्षा 8 तक संचालित है। मगरोहर जी जी, आपके ही संकुल के अंतर्गत आती है जी, आप संकुल प्राचार्य हैं जी। सर वहाँ 2 शिक्षक हैं कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की विद्यालय में जी। वो भी एक शिक्षक बाहर बैठे हुए कुर्सी में पाए गए और एक शिक्षक अंदर पढ़ा रहे थे, बाकी क्लास खाली थी जी। सर आपकी व्यवस्था में ये सिस्टम है, बताइए क्या कहेंगे इस विषय में? वहाँ 2 शिक्षक हैं, 2 शिक्षक हैं, एक शिक्षक बाहर बैठे हुए पाए गए और एक शिक्षक अंदर क्लास में बैठे थे, बैठ के मोबाइल चला रहे थे। तो वहाँ बेस्ट फैकल्टी भी होगी ना? नहीं है सर, आपको जानकारी नहीं है सर? कभी भ्रमण किए हैं स्कूल का? अब हमारा तो अभी नया प्रभारी मिला, अभी जान नहीं रहा। लगभग कितने महीने हो गए सर? जून जुलाई। नए सत्र का निर्वहन आपके द्वारा किया जा रहा है ना सर जी, तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो है हमारी, आपकी जिम्मेदारी है जी। तो निर्वहन कौन करेगा? शिक्षक महोदय जी, जन शिक्षक महोदय हैं हम। कभी आप मीटिंग के माध्यम से सभी स्कूलों की जानकारी लेने का प्रयास करते हैं सर? अभी तक तो नहीं लिए, अब लेंगे। अगर ऐसी बातें सामने चल के आ रही है तो क्या आवश्यक है कि मीटिंग रखी जाए और जानकारी ली जाए? लेंगे। सर एक और आपके यहाँ स्कूल है गरियारा में, अतुल सिंह जी उसमें पदस्थ है, आपको जानकारी है सर? हाँ। आते हैं कभी सर, आपको जानकारी है? अभी जब गरियारा तो हम एक बार गए थे जी, तो उसमें रजिस्टर में हम लिखे थे, उस दिन भी अनुपस्थित थे, उससे पहले वो आए थे। वहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि ये महीने में 2 या 3 दिन कभी आते हैं और एक साथ पूरा दस्तखत मार के चले जाते हैं, क्या कहेंगे सर इसे? अब आप बता रहे हैं तो बुक तो देखेंगे हम, आएंगे। आपके द्वारा कोई कार्यवाही की जाएगी? निश्चित की जाएगी, क्योंकि हाँ। इसके बाद सर 3 और शिक्षक हैं जिनके बारे में जानकारी चाहिए, पोर्टल में नाम इनका दर्ज है। एक आपके साथ की पाठ्यशाला पर टीहर टोला पे पकड़ा है जी, वहाँ पे ये है और मिला हिवार जी है जी। वहाँ के ग्रामीण द्वारा हमें ये बताया कि कभी नहीं आती है, वो ये महीने में जब हम प्रभार पाए तो हमको हम पता चला कि वो नहीं आ रही भाई, पहले तो छुट्टी थी, फिर हम उनसे बात किए तो वो मेडिकल में है। अब उनका 15 रास्ता था, तब मेडिकल के बाद ज्वाइन नहीं आए, तब हमको क्या होता है, तो उसके बाद भी संपर्क किए तो कोई प्रक्रिया नहीं आई। उच्च अधिकारियों को बताया गया हाँ, मेडिकल है उनका, तो वेतन भी रोक दी गई है उनकी। मेडिकल तो ही 15 अगस्त वहीं तक था, 15 अगस्त के बाद पेमेंट रुकी हुई है उनकी। हाँ, पेमेंट उनकी रुकी हुई है, पेमेंट उनकी होल्ड है। नहीं तो उसी स्कूल में किसी शिक्षक की भी व्यवस्था जरूरी है, क्योंकि एक शिक्षिका के माध्यम से स्कूल का संचालन किया जा रहा है। एक शिक्षक हमने वहाँ अटैच किया हुआ है, राजवंश शुक्ला को, शिक्षक। इसके अलावा दूसरे कौन से शिक्षक हैं? आकृति मिश्रा जी कहाँ हैं? आकृति मिश्रा जी हैं आपके संस्था में, हाई सेकेंडरी स्कूल में? आकृति मिश्रा कोई शिक्षिका हैं आपके विद्यालय में? पखरा में। कैसे हैं, रेगुलर टीचर? तो लैब में है, लैब में, लैब में है, अतिथि में। तो वो तो पखरा का वो अच्छा। इस वर्ष तो ज्वाइनिंग हमारे थ्रू तो हुई नहीं है। रत्नेश तिवारी जी एक हैं। कौन? रत्नेश तिवारी जी। रत्नेश तिवारी जी करके हम पखरा में पदस्थों को भी नहीं आते हैं। वहाँ प्राचार्य से बात किए, वहाँ दो हाई सेकेंडरी स्कूल है, खुद ही वहाँ प्राचार्य पदस्थ हैं। अंकिता सिंह जी वर्ग 1 में है, ये यहाँ तैनात हैं जी, संकुल में जी हैं वर्तमान में, आई हूँ। आज तो छुट्टी में, आज नहीं। कब से छुट्टी में? अभी नहीं है, आज नहीं है। नहीं, ग्रामीणों की शिकायत ये आई थी कि ये भी कभी स्कूल नहीं आती, तो आप संकुल प्राचार्य हैं, आपके ही विद्यालय में तैनात है, तो आप क्या कहेंगे? कब से छुट्टी में है सर? छुट्टी में, उनकी तबीयत थोड़ा स्वास्थ्य नहीं ठीक। नहीं तो कब से उनका मेडिकल, कब से छुट्टी में चल रही है? कब से उनकी प्रेजेंटी यहाँ नहीं दर्ज है जी? और जो आपके संकुल के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय आती हैं और जो भी विद्यालय आपके संकुल के अंतर्गत आती है, वहाँ ना तो कहीं शौचालय की व्यवस्था है, ना तो सही तरीके से बच्चों के बैठने की व्यवस्था है, ना तो 3-3 साल से उसमें पोताई लिपाई हुई है, तो जब वरिष्ठ अधिकारियों को वहाँ जाना होता है तो क्या देख के रह जाते हैं?
क्योंकि सबको पता है कि स्कूल में मेंटेनेंस की व्यवस्था के लिए कुछ न कुछ राशि आई हुई है और वो राशि व्यवस्था भाई ऊपर से ही होगी। शौचालय तो शौचालय बना नहीं, शौचालय बने हुए हैं लेकिन शौचालयों का प्रयोग सिर्फ नहीं हो पा रहा है कि पानी नहीं है, या तो फिर वहाँ के जो संस्था प्रमुख है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि यूज हो इनका। कक्षा एक से कक्षा आठ आठ तक के विद्यार्थी बाहर जा रहे हैं शौच के लिए, उनको भी दुरुस्त कराएं। आपके द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को बोला जाए कि भाई इन सब चीज़ों को देखा जाए। अभी वैसे भी जानकारी हमेशा मांगी जाती है, ऊपर आदमी जानकारी देता ही है जब भी मांगते हैं कि कहाँ शौचालय विहीन है, कहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, ऊपर से जानकारी मांगी जाती है, ऊपर जानकारी दी जाती है, लाइट नहीं है सर। और कुछ माध्यमिक या प्राथमिक स्कूल हैं जिसमें लाइट लाइट की व्यवस्था तो है लेकिन पंखे ही नहीं लगे हुए हैं दीवारों पे। आपके पैपखरा विद्यालय में जी आपके संग मतलब प्रचार के कमरे में बस में पंखे लगे हुए हैं, बाकी डोरी हर जगह धुलाए गए हैं लेकिन वहाँ पंखा नहीं लगे हैं। तब ये प्रचार विचार करने का विषय है। हाँ, दूसरी बात सर, विद्यालय जो पैपखरा विद्यालय वहाँ लिखा पढ़ा है पूरे विद्यालय में, अंदर जहाँ बच्चे पढ़ते हैं बच्चियाँ बैठती हैं वहाँ पूरे उड़ेहा गया है कि हमीद उस्मान ये वो, मतलब पूरे विद्यालय में ऐसे लिखा पढ़ा हुआ है। कहाँ पैपखरा है वीरेंद्र सिंह जी है। तो भाई बजट आता है तो उतार बच्चों को बैठने के लिए किसी प्रकार कोई व्यवस्था नहीं है। तो भाई शासन की प्रक्रिया ना है, टेबल शासन की प्रक्रिया है, शासन ये प्रोवाइड करा तो क्या शासन नहीं दे रहा क्या? क्या पता, यहाँ तो आए हैं, यहाँ हैं अब वहाँ वहाँ ही होंगे। अच्छा सर, जो शिक्षक नहीं आ रहे हैं और उनका मेडिकल भी नहीं है और दो दो तीन तीन महीने में आ रहे हैं, उनके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे जाँच करने के बाद? उनके यहाँ प्रस्ताव होने पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करना ना भूलें और अंत में शेयर कीजिए। थैंक यू।